तेजस्वी प्रकाश जल्दी रोती नहीं है, और अगर वो रो रही है तो उसके पीछे जरूर एक बड़ी वजह है। आखिर किसने सामने आकर तेजस्वी के लिए कही ये बात, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं विफा फूज। हम सबने देखा है कि किस तरीके से बिग बॉस के घर में जब भी इमोशनल हुई है तेजस्वी प्रकाश, उन्हें कुछ चीजें चुभी हैं या फिर हर्ट हुई है तो वो रो पड़ती हैं, और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं घर वालों ने बोला है कि सिंपैथी कार्ड खेलती है, ये सारी बातें। तो इस पर ही साथ दिया है तेजस्वी प्रकाश की को एक्टर ने, जी हाँ, स्वरागनी की उनकी को एक्टर प्रणीता बोरथाकुर ने, और उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है चलिए आपको बताते हैं। और उनका कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो तेजस्वी है वो किसी के सिंपैथी के लिए ये सब नहीं करेंगी और सिंपैथी कार्ड नहीं खेलती वो। और तेजस्वी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक गर्ल है, और वो जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा अपने आप से लड़ने के लिए यूज करती है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है उनमें। और अगर पहली बात तो तेजस्वी जल्दी रोती नहीं, और अगर रो रही है तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है, तभी वो रो रही है, ये बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद बॉयफ्रेंड को लेकर जो रूमर्स आई थी बाद में, जो तेजस्वी के भाई ने क्लैरिफाई किया था कि वो उनका सेकेंड कजिन है, और सबने उनको अपना उनका सीक्रेट बॉयफ्रेंड मान लिया था, तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे पता है, मैंने कभी सुना नहीं है इस बॉयफ्रेंड के बारे में कि उनका बॉयफ्रेंड है, और ये सिर्फ और सिर्फ रूमर्स हैं और मुझे इस रूमर्स के बारे में बिल्कुल भी इतना पता नहीं है। फिर आगे वो कहती हैं कि तेजस्वी को मैं शुरुआत से ही सपोर्ट करती आई हूँ और मैं सपोर्ट उनको करती रहूंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बिग बॉस के घर में उन्हें प्यार मिला है, उनको कोई साथ मिला है जो कि अच्छी बात है। और लेकिन उन्हें ये एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि वो जो बिग बॉस के घर में गई हैं वो खेलने गई हैं और उन्हें जीतना है, तो उनका पूरा फोकस जो है वो इस गेम के लिए रहना चाहिए और जीतने पर रहना चाहिए। तो साफ साफ कह दिया बात तेजस्वी प्रकाश की दोस्त और को एक्टर प्रणीता जी ने। अब देखते हैं क्या कुछ रिएक्शन आपका आता है, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और देखते रहिए विफा पोस्ट इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।